हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था जंतु का वर्गीकरण में 50 क्वेश्चन, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आगे और 50 क्वेश्चन। तो 51वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो इसको सैंड फ्लाई बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा तीन जोड़ी पैर, ठीक है। इसमें टोटल 6 पैर यानी 3 जोड़ी पैर होती है, ठीक है। आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वाच कीजिए और वाच करने के बाद देखिए कि आप इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं, और आप अपने को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना जीके जीएस याद है। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मादा एनफ्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है, कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपिया को। ऑक्टोपस है क्या है? ऑक्टोपस जो कि IAS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक है मृदु कवची, ठीक है। नेक्स्ट है, डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है 8, ठीक है। नेक्स्ट है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच योजक की कड़ी कौन करता है? तो इसका आंसर होगा नियोक्लिना, ठीक है। नेक्स्ट है, तारा मछली निम्न में से किस संघ की प्राणी है? तो तारा मछली मत्स्य सॉरी इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है, ठीक है। अरस्तु का लालटेन क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। नेक्स्ट है, तारा मछली के और किस नाम से जाना जाता है? तो तारा मछली को एस्टिरियस नाम से जाना जाता है। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिल्स, ठीक है। गिल्स यानी गलफड़ द्वारा मछली सांस लेती है। मछलियों के दिल की विशेषता क्या है? और बताइए कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दो कक्ष होते हैं। और एक क्वेश्चन है आपका, मछलियों के दिल की विशेषता क्या है? भाई मछली में भी दिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो जितनी इसमें फिश लगी है ना, स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, ये सब मछली नहीं है। मछली कौन है? तो समुद्री घोड़ा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, समुद्री घोड़ा असल में कोई घोड़ा नहीं है, बल्कि घोड़े जैसे दिखाई देने वाली एक मछली होती है। समुद्री घोड़ा एकमात्र ऐसा प्रजाति है जहाँ मादा की बजाय नर पर बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी होती है। मतलब समुद्री घोड़ा एकमात्र ऐसा प्राणी है जहाँ की मादा बच्चा नहीं पैदा करती है, नर बच्चा पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? तो वही कौन, इसमें स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश, बताइए इसमें से क्या आंसर होगा?
तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार फिश। ठीक है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो जैसे हमने पहले ही जाना कि मत्स्य है, मछली है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन है? तो वास्तविक मछली की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग फिश। ठीक है, फ्लाइंग फिश मछली को एक्सोसिएटाइड नाम से भी जाना जाता है। यह मछली उष्णकटिबंधीय एवं उपकोष्ठीय एवं और उप उष्णकटिबंधीय महासागर में रहती है। अपने उड़ने की इस कला के कारण इन्हें फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। फ्लाइंग फिश शिकारियों के चंगुल में जल्दी नहीं आ पाती है क्योंकि ये उड़ती रहती है। और निम्न में से एक मीन है, कौन मीन है? मीन मीन्स होता है मछली। ठीक है, मत्स्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर फिश, नो फ्लाइंग फिश। अब जैसे सॉरी जैसे हमने पिछले वीडियो सॉरी पिछले क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली में। ठीक है दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पसाड़ मछली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेम्बूसिया। क्या? गेम्बूसिया। ठीक है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि उन्हें क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे श्वास नहीं ले पाती है, वो पानी में ही श्वास अच्छे से ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? तो शार्क मछली में एक भी हड्डियाँ नहीं होती है, अर्थात 0 हड्डियाँ। ठीक है, एम्फीबिया बनता है किससे? तो एम्फीबिया बनता है और एम्फीबिया बनता है किससे? तो केवल जल में रह सकने वाले पशुओं से। ठीक है, जल एवं स्थल दोनों पर ही एम्फीबिया मिस होता है, उभयचर। ठीक है, तो उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों पर आता है उसे उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है, केवल नर मेंढक टटराते हैं। क्यों टटराते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मादा मेंढक में वाक कष्ट नहीं होता है, इसलिए मादा मेंढक नहीं टटराते हैं। और अगला है, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेडपोल। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप सबसे आग्रह मेरी है कि प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, मछली में 2 होते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो और जो RRB ग्रुप डी है उसका प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर चैनल पर देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। नेक्स्ट है, नर मेंढक मादा की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है। नर मेंढक मादा मेंढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि वाक पुष्ट के कारण। ठीक है, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो शीत रक्तीय प्राणी है ये सभी। ठीक है, मछली मेंढक छिपकली सभी। मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है। मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि क्योंकि ये त्वचा द्वारा सांस लेता है या श्वसन करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइबरनेशन। ठीक है, और उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति
प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस्टिवेशन। ठीक है, जंतु विज्ञान में एस्टिवेशन जंतुओं की गर्मियों के मौसम में अक्रिय अवस्था है, जंतुओं द्वारा अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेने की क्रिया अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, निरीशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो कछुआ है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घड़ियाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कशेरुकियों की लार ग्रंथियां। सबसे विषैला सांप कौन सा है? तो सबसे विषैला सांप है क्रैत। ठीक है, क्रैत काट देता है तो तुरंत लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो कौन सा विषैला सर्प नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पायथन। ठीक है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। ठीक है, अगला है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भेड़। कुछ रेगिस्तान छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है इससे किस प्रकार से मदद मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ठीक है, आगे देखते हैं, और 10 क्वेश्चन है कर लेते हैं, उसके बाद आगे अगला वीडियो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, डायनासोर मेसेजोजोइक सरीसृप थे। विषैली छिपकली कौन सी है? तो विषैली छिपकली है हेलीडर्मा। ठीक है, और जो घर में छिपकली काटती है क्या उससे विष लगती है? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जो घर में हमारी छिपकलियां होती है वो मतलब जब किसी व्यक्ति को काटती है तो उसकी विष लगती है या नहीं लगती है। उड़न छिपकली कौन सी है? तो उड़न छिपकली आपकी ड्रेको है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्क क्लिविक के कारण। ठीक है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफिश। ठीक है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, मतलब जो सर्प होते हैं उसमें कान नहीं होता है, ये ध्वनि ग्रहण किससे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है कैसी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वातिल। ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सी है? तो इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। ठीक है, अगला है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। ठीक है,
सबसे छोटा पक्षी का नाम हिमिंग बर्ड है, यह अमेरिकन पक्षी है, ठीक है। चलिए अब 100 से 150 तक क्वेश्चन कल वाले वीडियो में देखेंगे, तब तक बाय अपने, जय हिंद जय भारत, कल वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। चलिए बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।